नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है करंजी। दिवाली स्पेशल है, दिवाली पे ये सब बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तिल और गुड़ की फिलिंग की है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल सूजी लिया है, यानी रवा। यहाँ पे मैंने फाइन सूजी यूज़ किया है और वाइट वाले तिल लिए हैं एक कटोरी छोटी, और उसी कटोरी से गुड़ लिया है सेम। अब हम लेंगे सूजी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसमें डालेंगे 3 चम्मच घी, और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि घी पूरा सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसको अच्छे से आटा लगा लेना है। सूजी जो है वो पानी सोख लेता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी यूज़ किया है। ये देखो, इस तरह से अच्छे से आटा लगा लेना है। ये हमारा आटा बन के तैयार है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब हम बनाएंगे फिलिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाल दिए है वाइट वाले तेल, और इसको हमें लो मीडियम पे रोस्ट करना है। ये देखो, इस तरह से हमें जो तिल है उसको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं, और ये जब फूटने लगे तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो, ये फूटना शुरू हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में डाल देंगे, और 3 से 4 सेकंड के लिए हम इसको जस्ट दरदरा पीस लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम गुड़, और एक बार मिक्सी को और चला लेंगे, और अच्छे से ये देखो हमारा फिलिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने लिया है काजू और बादाम। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आटे का और भी सॉफ्ट कर लिया अच्छे से। अब हम छोटे छोटे साइज़ की लोई बना लेंगे। ये देखो, इस तरह से मैं बना के रख दूँगी। अब यहाँ पे हमें वो लोई को अच्छे से मैदे से मैदा लगा लेना है, और पूरी जैसे बेल लेना है, इसको पतला बेलना है। यहाँ पे मैंने लिया है करंजी का मोल्ड, उसमें हम ये पूरी डाल देंगे मैदे। फिर इसमें हम डालेंगे फिलिंग। फिलिंग को अच्छे से दबा देना है हाथ से, और जो किनारों पे है हम पानी लगा देंगे, नहीं तो ये तेल में खुल जाता है। पानी लगाने से अच्छे से चिपकता है। अब इसको हम हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये तेल में खुले ना, और जो ज़्यादा वाला डो है वो हम निकाल लेंगे हाथ से। तो देखो, ये हमारी करंजी बनके एकदम रेडी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 से 8 करंजी बना के रख दी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें तेल को मीडियम टू लो हीट पे गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। इसको ऐसे पलटा पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। ये देखो, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी गुजिया यानी करंजी बनके एकदम रेडी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो को आपकी रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।